गोलमुरी बाजार से टेलको निवासी चरण सिंह के गाड़ी से 45,000 चोर चोरी कर भाग निकले। इस दौरान चोर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। टेलको निवासी चरण सिंह गोलमुरी बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 45,000 रुपए निकालकर अपने काइनेटिक होंडा गाड़ी से डिक्की में रुपए रखकर ठंडा पीने लगे। उस दौरान एक व्यक्ति आया और डिक्की खोलकर रुपए लेकर भाग निकला। क्या निकाला है यहाँ से? 45,000 निकाल लेते हैं, बाहर आए एक मेरा पहचान का आदमी मिल गया तो आपको बोला चलिए कोल्ड ड्रिंक किया जाए। मेरे पीछे बैठ गया, वहाँ पर केसर दुकान के सामने उतरे हैं, उसको तो मैं लॉक किया तो सही अंदर में आप दिखी के अंदर में यहाँ पर ही पैसा बैग गया और पैसा रख दिया बैग के अंदर। मेरे खाली बैग जो था मेरे हाथ में, जैसे कोल्ड ड्रिंक का वो बोतल खोला है, दूसरा एक लड़का हमको बोला, उसको बोला जसवीर को, हमको बोला अंकल आपकी गाड़ी में कुछ था? हम बोला हाँ। क्या था? हम बोला बैग था, पैसा था। कितना? हम बोला 45,000। बोला वो आदमी डिक्की खोल करके भाग गया है और वो हो गया। वहीं पुलिस को जानकारी मिलने पर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली है कि डिक्की खोलने वाले व्यक्ति का सीसीटीवी में तस्वीर कैद हो गया है। उस तस्वीर के आधार पर चोर की खोज शुरू हो गई है। ये चरण सिंह जी तेलुगु के निवासी हैं, केटू का या गोलमुरी के पंजाब नेशनल बैंक से 45,000 निकासी किए थे। ये जा रहे थे तो गोलमुरी मार्केट में शायद ठंडा पीने के लिए रुक गए, तब तक इनके डिक्की तोड़ करके बैंक में जो सीसी कैमरा लगा है उसमें उसके फुटेज आदि आने की संभावना है। हम लोग उस फुटेज को निकाल रहे हैं, उसे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन। दूसरी ओर रुपए चोरी की घटना पर पुलिस दबाव बनाने के लिए सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष और जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मोहनलाल अग्रवाल गोलमुरी थाना पहुंचे। तेलवानी हत्याकांड की राख ठंडी भी नहीं हुई। दूसरे एक व्यापारी पर विनोद कुमार पर गोली चल गई। विनोद कुमार की गोली का भी इलाज भी नहीं हुआ था कि आज पुनः यहाँ 45,000 रुपये की छिनताई हो गई डिक्की तोड़ के। और जो बैंक से पीछा लगा हुआ था, जैसा अंदाज लग रहा है कि उस लड़के ने डिक्की से 45,000 रुपये टपा दिया और लोग मुंह देखते रह गए। कल भी हमने आरक्षी अधीक्षक वरीय से ये मांग की थी कि जगह जगह पुलिस की व्यवस्था की जाए चौक चौराहे पर, ताकि ऐसे में पुलिस उसका पीछा करके पकड़ सके। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग लाचार और खड़े रह गए और पता लगा इस गली से उस गली में घूम के।